देश की 75वीं आज़ादी के वर्षगांठ पर पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। वैसा ही खबर पवई से आई है, जहां पर पवई पुलिस और हेल्पिंग हैंड फॉर ह्यूमैनिटी संस्था के माध्यम से एक साथ मिलकर पवई तालाब के पास 75वीं स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाया गया, जहाँ पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज पुलिस ऑफिसरों ने परेड के साथ सलामी देते हुए फहराया। इतना ही नहीं, स्कूली विद्यार्थियों और विधायक दिलीप लांडे उफ मामा के साथ मिलकर HH ग्रुप ने साथ मिलकर तिरंगा रैली पवई लेक के गणेश घाट से पवारवाड़ी तक तिरंगा रैली निकालकर अमृत महोत्सव में चार चांद लगा दिया। वही विधायक दिलीप लांडे ने विद्यार्थियों को नोटबुक भी बांटे। वही इस महोत्सव में सहायक आयुक्त भरत कुमार व सूर्यवंशी, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बुधन सावंत, पुलिस निरीक्षक सुप्रिया पाटिल, आमदार विधायक दिलीप लांडे उफ मामा और पूर्व नगर सेवक चंदन शर्मा जैसे बड़े चेहरे मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। वही इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजनकर्ता हेल्पिंग हैंड फॉर ह्यूमैनिटी की अध्यक्ष अनीता सिंह, सचिव अनामिका शर्मा, सलाहकार सुरेश अग्रवाल, अजय डालमिया, रोशन पुजारी, सुभद्रा जैसे समाज सेवकों ने इस मुहिम को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आइए जानते खास रिपोर्ट। अनीता बोल रही हूँ, HHH ग्रुप पबई। और आज हमारे साथ सबसे पहले मैं हमारे राष्ट्र झंडे को नमन करूँगी कि आज हमारा 75वां अमृत महोत्सव है। और पबई पुलिस स्टेशन और मिलिन स्कूल के स्टूडेंट, उनके पूरा स्टाफ और हमारा HH ग्रुप ने आज पबई विसर्जन घाट है वहाँ से लेके यहाँ तक मार्च निकाला, लोगों को अवेयरनेस के बारे में बताया और बहुत सारे ग्रुप हमारे साथ जुड़े और सबने बहुत अच्छा काम किया। और आज हम बहुत खुश हैं कि हम आज़ाद हैं, अपने देश में हम कुछ भी कर सकते हैं। और बहुत बढ़िया, जो जिसका जैसे दिल आ रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई झंडा फहरा रहा है, मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा आज पवई लेक पे कि लोग कितना इंजॉय कर रहे हैं। वो देखने के लिए हम एक घंटे के लिए आए थे पर अभी हमको यहाँ पे 5 घंटे हो गए, अभी भी हमारा जाने का मन नहीं कर रहा। और हम बहुत खुश हैं कि हम हिंदुस्तान वासी हैं, भारतवासी हैं, हमको गर्व है ये कि हम भारतवासी हैं।